गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इसके PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ होगा, वहाँ से भी आप हमसे जुड़कर अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, अगर उसके बारे में भी आपको जानना है या ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है, तो उसके लिए आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, माय पैड माय राइट योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट इज स्टार्टेड माय पैड माय राइट स्कीम? तो ये त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है माई पैड माई राइट। ये स्कीम स्टार्ट किया गया है बेसिकली महिलाओं को रोज़गार देने के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप मैप में भी देख रहे हो यहाँ पे त्रिपुरा है और ये काफ़ी अच्छा जगह भी है, लेकिन यहाँ पे औरतों के लिए ये बेसिकली कुछ स्कीम्स लाए गए हैं और उसी में एक ये है माई पैड माई राइट योजना। अगला है, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हु इज़ ऑनर्ड बाई साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 इन राजस्थानी लैंग्वेज? ये ध्यान रखिएगा कि ये 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है और ये भंवर सिंह सामौर को दिया गया है, जो कि राजस्थानी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं, और इनको ये सम्मान दिया गया है राजस्थानी भाषा में भंवर सिंह सामौर को। अगला है, भारत सरकार ने किस देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है कासिम या क्यूसिम भी आप कह सकते हो। कासिम भारत सरकार ने ये मतलब यहाँ का ये पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम जिसका नाम है आर्मी 2021 इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन, तो ये मॉस्को रूस में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, या यूँ कह सकते हो कि इसका आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम, और नाम है इसका आर्मी 2021। अगला है, ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जी साथियान है जिन्होंने ये मेन सिंगल्स का खिताब जीता है इन ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन। ध्यान रखिएगा, ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन, इसमें पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है जी साथियान। अगला, किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? विच कंपनी लॉन्च्ड बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम फॉर इंडियन चिल्ड्रंस? तो ये किया है गूगल ने भारतीय बच्चों के लिए ये बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? वेयर विल फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ UP ओपन? तो ये आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के। अगला है, आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया है? हु ऑर्गेनाइज्ड एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज गांडीव 2021? तो ये किया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने, NSG ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास या एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज आप कह सकते हो, जिसका नाम है गांडीव 2021। याद रखिएगा, अर्जुन के धनुष को कहते हैं गांडीव, ठीक है? और जो लोग भी हिंदू हैं वो लोग जानते होंगे, महाभारत में इस शब्द का बहुत ज़्यादा इस बार इस्तेमाल किया गया है, अर्जुन का गांडीव या गांडीवधारी अर्जुन, वहाँ से नाम याद रखिएगा, आपको इजली याद रहेगा। अगला है, ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स? तो ये है 6th रैंक ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान। इसमें टॉप 3 देश हैं अमेरिका, वियतनाम और थाईलैंड। 1st प्लेस पे है अमेरिका, 2nd प्लेस पे वियतनाम और 3rd प्लेस पे है थाईलैंड, और भारत है 6th स्थान पे। अगला है, नोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? हु ऑन दी नोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 अवार्ड?
तो ये जीता है पी इनियान ने, और ये तमिलनाडु की हैं, इसलिए याद रखिएगा तमिलनाडु की हैं पी इनियान, और इन्होंने ये जीता है नोएसील इंटरनेशनल ओपन 2021। पैरालंपिक्स अभी चल रहे हैं और उसमें भारत ने बहुत सारे पदक जीते हैं, जिसमें बहुत सारे गोल्ड मेडल भी हैं और बहुत सारे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके ऊपर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको पैरालंपिक्स की वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए। वैसे ओलंपिक की वीडियो आ चुकी है, आप उसे देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स, सिंपल टोक्यो ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स, इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, इसलिए इसके ऊपर आपको याद भी रहना चाहिए किनको किस तरह के अवार्ड दिए गए हैं। चलिए उसी में हम अगला एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। इंडिया फर्स्ट वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट इन पैरालंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है ओनी लेखरा ने, और ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं ये गोल्ड मेडल जीत के, ओनी लेखरा नाम ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कमेंट हमेशा कीजिएगा, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। करंट अफेयर्स की PDF आ चुकी है 55 रुपीज़ में, आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम टेस्ट सीरीज़ यानी कि मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, अगर इसके बारे में भी आप जानना चाहते हो तो नंबर है 7052529525, आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट क्लासेस या करंट अफेयर्स की PDF के लिए। और बाकी सारी PDFs आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, आप वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हो ईजली और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।